जो जो आज जो बीजेपी आई हुई है मायावती और कांशीराम जी की वजह से आई है। अगर ये 1995 में बीजेपी के साथ समझौता नहीं करते तो बीजेपी कभी आ नहीं सकती थी। 1995 से पहले बीजेपी राजनीतिक अछूत पार्टी कही जाती थी। SC ST OBC के लोग उसमें शामिल नहीं होते थे, गुनाह मानते थे। जीते जी कोई अपनी मूर्तियाँ नहीं बनाता, बाबा साहब की मूर्ति से मुझे कोई दिक्कत नहीं। मंत्री तो अभी बन रहे नेताओं की, भाई सुनिए आपने आवाज उठाई। अरे मेरी बात सुनिए, मैं किस किस की आवाज़ उठाऊँ। देखिए मैं एक पत्रकार वार्ता में ही लोग मैंने इडियट लेडी बोलते हैं, वो ऐसे कैसे बोलते हैं कि भाई कोई जीते जी अपनी मूर्ति बनाता है, कोई नहीं बनाता। मायावती मेरे वोट से चीफ मिनिस्टर बनी, वोट दिया था बहन जी को, बिल्कुल क्यों नहीं दिया था। खुद की पार्टी है, अरे हम खुद पार्टी है, लेकिन हमने वहाँ कैंडिडेट नहीं उतारा उसके खिलाफ, कभी हमने कैंडिडेट नहीं उतारा उसके खिलाफ। हमने हमारे वोट से मायावती बनी है, हिसाब किताब मायावती से होगा और मायावती से किया हमने, और उसका नतीजा है कि आज वो पैदल है। सर आप जैसे जो नेता हैं बहुजनों के, सभी जो है मायावती को जो है निशाने पर लेते हैं, ऐसा क्यों है सर? देखिए निशाने पर नहीं, मैंने अभी क्या कहा कि भाई मेरे पैसे से मेरे वोट से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं बना, मोदी नहीं बना, या मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री नहीं बना, उसका लड़का मुख्यमंत्री नहीं बना, लेकिन जिसको मैंने पैसा दिया, जो मेरे पैसे से आगे बढ़ा, जो मेरे वोट से आगे बढ़ा, मैं हिसाब किससे लूंगा? पैसा मैंने आपको दिया है, सर वोट तो पहले भी देते आ रहे थे 72 साल से, नहीं बेहतर दिया। तो इतना काम किसी ने किया देश में, उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस ने, फिर भी कांग्रेस ने नहीं, बाबू जगजीवन राम ने, कांग्रेस ने नहीं किया, बाबू जगजीराम की हैसियत इतनी बड़ी थी कि उन्होंने काम किया लोगों को, लाखों लोगों को नौकरी दी, बाबू जगजीराम की वजह से नौकरी मिली, कांग्रेस की वजह से नहीं। आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग कांग्रेस, लेकिन मायावती ने ऐसा कुछ नहीं काम किया। करते करते अगर धम्म का भी काम करती तो भी लोग हमारे लोग इधर से। आप धम्म की बात कर रहे हैं, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई, जिला बनाया नोएडा में, और जो है संत रविदास नगर बनाया, संत कबीर नगर बनाया, दुनिया भर के कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, इतना काम किसी ने करके दिखाओ तो बताइए आप। गौतम बुद्ध नगर पहले भी था, नोएडा के नाम से जानते थे, वो बसाया नहीं, बनाया ना धम के नाम पर, बाबा गौतम बुद्ध के नाम पर नाम बदल दिया। नाम तो ये बीजेपी RSS वाले भी बदल रहे हैं, नाम तो अब भी बदले जा रहे हैं सर। नाम बदलने से पहले महल का नाम तेजो महल बता रहे सर, आपने विरोध किया, आप बहन जी का विरोध करते हो? क्यों क्यों नहीं करते? सबसे ज्यादा क्या आपने विरोध बताइए? नहीं, सबसे ज्यादा विरोध तो मैं ही करता हूँ, मैं किसी को नहीं, सबसे ज्यादा बीजेपी RSS का विरोध मैंने किया है, मुलायम सिंह का खुलेआम विरोध किया है मैंने, मायावती को तो आपने छेड़ा है, तब मैं बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात ही नहीं करता। तो जिस तरह से ये जो जो जो, जो हुआ है, उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हो सकता था। SC ST के जो बहुत सारे संगठन बन गए हैं, बाबा साहब के नाम पे, कांशीराम के नाम पे और अंबेडकर के नाम पे बहुत सारी पार्टियां बन गई हैं, तब से जो BSP कमजोर होती जा रही है, बहुत सारे चुनाव लड़ने के लिए कुकुरमुत्ता की तरह पार्टियां आ गई हैं। देखिए कुकुरमुत्ता की तरह BSP भी एक टाइम पे कुकुरमुत्ता था, कांग्रेस में जो लोग थे दलित लोग थे वो कांशीराम मायावती को गाली देते थे, मैं 78 से कांशीराम साहब के साथ रहा। लेकिन कामयाब क्यों नहीं हो पाए फिर, वो क्यों सत्ता में नहीं आ पाए कभी? कौन जो और दल बने बहुत सारे, नहीं और दल तो एक सारी बरसों की बात है, एक बार समाज जिसके पीछे लग जाए वही कामयाब होता है। BSP के अलावा किसी ने सुना नहीं, बात को हमारी हर बात को अप्रिशिएट किया समाज ने, लेकिन जब वोट की बात आती तो भैंजी करके ये सारा ये इस तरह से हो जाता था। जब हमारा समाज साथ नहीं देगा कैसे कोई कामयाब होगा? BSP सर राष्ट्रीय दल रहा है और अभी भी है, उसी दौड़ में शामिल है वो, जब वो सत्ता में नहीं आ पा रहा है, आज मोदी सरकार चल रही है, योगी सरकार चल रही है, तो आप जैसे जो संगठन लोग चला रहे हैं या पार्टी चला रहे हैं वो कैसे सत्ता में आएंगे आप? देखिए सत्ता में आ सकते हैं, ये पहलवान अखाड़े में है और पता नहीं कब पासा पलट जाए और कब आप आ जाएं, तो उसके लिए तैयार रहना होगा। हमें आशावादी होना चाहिए और हम उसी आशा के साथ में कि अगर समाज हमारी बात लोगों तक पहुंचती है, हमें तो मीडिया ने ब्लैकआउट किया, जो हिंदू मीडिया है, मेनस्ट्रीम मीडिया है, उसने हमें ब्लैकआउट किया, नहीं तो मुझे पाकिस्तान ने बुलाया, इजिप्ट ने बुलाया, टर्की ने बुलाया, इंग्लैंड ने बुलाया, कहाँ कहाँ नहीं मिल गया, और वहाँ बाकायदा मेरा स्वागत भी हुआ, सब कुछ किया। आज भी लोग सभी पार्टियाँ जो है कांशीराम जी को लेकर कंधे पर चल रही हैं, चाहे SP हो, BSP हो और दल भी हैं, जिस तरह से बाबा साहब को कंधे पर ढो रहे हैं उसी तरह से आप बाबा साहब के नाम पर पार्टी बनाए हैं, क्या इनके अलावा कोई मुद्दे नहीं रह गए देश में? नहीं, डॉक्टर अंबेडकर, अगर हम अपने बाप को बाप नहीं, वोट लेना चाहते हैं केवल दलितों का, अगर हम अपने बाप को बाप नहीं कहेंगे तो किसी और को बाप कहेंगे क्या? गोलवारकर के नाम पर पार्टी बनाएं हम, मोदी के नाम पर पार्टी बनाएं, किसके बनाएंगे? हम तो अपने बाबा साहब, ये लोग डॉक्टर अम्बेडकर का नाम मिटाना चाहते हैं, यहाँ का सब हिंदू बाबा साहब के काम को खत्म करना चाहता है, तो इसलिए हम डॉक्टर अम्बेडकर का नाम, इसी बहाने से अगर हमारा एक भी कभी जीत के जाएगा तो अभी पार्लियामेंट में और असेंबली में चर्चा होगी कि अम्बेडकर समाज पार्टी से हमारे बाप का नाम लेना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ वोट तो लेते हैं बाबा साहब के नाम पर, फिर काम नहीं होता दलितों को? तो भाई वो जो वोट लेके काम न करें वो दोबारा हमारे वोट का हकदार नहीं होना चाहिए। हमारा समाज आज भी ना समझ है और उसी ना समझी की वजह से ये लोग दूसरे लोग कामयाब हो रहे हैं। नमस्कार, मैं ओमदेव, आज हमें दिल्ली के NDतिवारी भवन में, हमारे साथ हैं अंबेडकर समाज पार्टी के अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी। सर नमस्ते, जय भीम। जय भीम।
सर आपकी भी पार्टी है अंबेडकर समाज पार्टी, बहुजनों की बहुत सारी पार्टियां हैं, सर आप कैसे जीत पाओगे भाजपा से कांग्रेस से? वो तो बड़े लेवल की पार्टियां हैं, पुरानी पार्टियां हैं, आपने भी अपनी पार्टी बना रखी है, कैसे आपको जो है सफलता मिलेगी? यहाँ पर सवर्ण हिंदू मुश्किल से 10-12% है, उनकी हजारों पार्टियाँ हो सकती हैं, लेकिन उनके समाज की दिशा एक होने की वजह से 25-26-27 साल मायावती ने बर्बाद कर दिए हमारे समाज के लोगों के, और अब जाके लेकिन 4 बार मुख्यमंत्री तो बनी बहन जी। अरे मुख्यमंत्री बनने से क्या हुआ, अगर एक का पेट भर गया और लाखों घर बर्बाद कर दिए तो उससे मैं कुछ मानता हूँ? मायावती ने एक आदमी को कुछ किया हो तो बताइए उसको करके, मैं नहीं हूँ अब तक, वो खैर खेल खत्म हो चुका है। सर 4 बार बड़ी पार्टी मानी जाती है, राष्ट्रीय पार्टी है बीएसपी। इस समय मायावती मुख्यमंत्री थी, 2007 में आई थी, 5 साल के लिए सरकार थी, जिस समय सरकार गिरी है 3.5 लाख का SC ST के नौकरियों का बैकलॉग था उत्तर प्रदेश में, अगर वो चाहती तो 3.5 लाख लोगों को नौकरी मिल सकती थी। बाबू जगजीवन राम भले ही कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में रहते हुए जिस डिपार्टमेंट गए वहाँ उन्होंने SC ST का कोटा पूरा किया, आज उनको हम सलाम करते हैं। मायावती ने अगर 3.5 लाख पद भर दिए होते तो निश्चित तौर से इंदिरा गांधी के टाइम पर जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से हम SC ST के लोगों को, लाखों लोगों को नौकरी मिली, वो मैनेजर बन के रिटायर हुए, तो ऐसा कोई काम मायावती ने नहीं किया। और बहन जी ने अपनी सत्ता के दौरान सर उत्तर प्रदेश में स्पेशली जो लोग भूमिहीन थे उनको पट्टे दिए, उनको घर मकान दिए, उनको लाखों रुपए के फ्लैट दिए, ऐसा काम तो पहले कभी हुआ ही नहीं उत्तर प्रदेश में। देखिए ये सारा मैं नहीं मानता, ये तो सरकार की पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, उसको राज्य सरकार ने सर काम किया है। तो 2007 से 12 तक, ये 2007 से 12 तक कहाँ हुआ, मेरे गांव में किसी को नहीं मिला मकान, एक को भी मकान नहीं मिला, मेरे गांव में भी गरीब रहते हैं, मैं भी यूपी एटा का रहने वाला हूँ, वहाँ किसी को नहीं मिला। वहाँ तो सपा का गढ़ है, नहीं सपा का गढ़ है, सरकार ने कितना काम किया दलितों के लिए उत्तर प्रदेश में। सपा के गढ़ से हम लोग घबराते नहीं है, हम लोग पूरी ताकत में, वहाँ जाटव लोग भी पूरी मेजोरिटी में, दबते नहीं है किसी से, वो सप्रेशन नहीं है। सपा के सरकार में अगर उनका काम हुआ, जिस तरह से मुलायम सिंह ने खुलेआम यादवों का के लिए भला किया, उनको पैसे की देने की बात की, तो वो तो लगता था यादव वादों की सरकार चल रही है, यादव वाद चला रखा था समाजवादी सरकार ने, यादव नहीं चला, दलित लड़कियों के बलात्कार हुए, हत्याएं हुई सपा सरकार में, नहीं सपा में नहीं, बसपा सरकार में, सपा सरकार में, सपा सरकार तो खैर हमारे विरोधियों की सरकार थी, उनका तो ऐलान था कि भाई बीएसपी का मर्डर कर दिया जाता जियाल हक का। सर देख जियाल हक DSP का मर्डर किया और राजा भैया ने करवाया, ये आप जानते हैं, और उस पर लीपापोती करके उसको बंद कर दिया इन्होंने, मुलायम सिंह ने केस कर दिया, तो हम नॉट टॉकिंग अबाउट मुलायम सिंह, मुलायम सिंह कोई हमारा हमदर्द नहीं था, अखिलेश यादव हमारा हमदर्द नहीं है, और ना हमारे लोगों का वोट जाता है सभा को, वोट नहीं जाता, वोट तो हम जिस जो हमारे वोट से आगे बढ़ा है, जो हमारे पैसे से आगे बढ़ा है, उससे हमें हिसाब करने का वो था, वो हिसाब क्या हो 27 साल इसी हिसाब के चक्कर में लग गए, लेकिन किसी ने मायावती से सवाल नहीं किया। दूसरा सीजन चला है, योगी के खिलाफ हमने प्रदर्शन किए, बड़े 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 काम किए हैं, ऐसी तैसी बुलडोजर की कहाँ चलेगा कैसे चलेगा, ये बुलडोजर का खौफ नहीं है वहाँ पर किसी को, ये तो सारी बदमाशी हो रही है सत्ता की वजह से हो रही है। हमने बुलडोजर कल्चर का भी हमने विरोध किया है, बड़ा विरोध किया, हमेशा किया है, मायावती का तो हम नाम नहीं लेते। तो जो है जो हमारे सोकाल्ड दलित नेता हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उन दलित नेताओं को पालतू कुत्ता कहा है जो समाज के लिए काम नहीं किया इन्होंने। एक देखिए मायावती जी ने वो बनवाया, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे मूर्तियां लगवाई, पार्क बनवाया, और पार्क में भी 1410 करोड़ का घोटाला किया, 1410 करोड़ का, मल्होत्रा कमीशन की रिपोर्ट ने सर क्लीन चिट मिल गई है सर। अरे क्लीन चिट तो मोदी को भी मिल गई, क्या मोदी ने दंगे नहीं करवाए वहाँ पे? ये हमेशा तड़ी पार था, 2011 तक उसको वहाँ गुजरात में नहीं घुसने दिया, उसको भी तो क्लीन चिट मिली है। क्लीन चिट तो बदमाशों को मिलती है, पैसा दो और आप भी क्लीन चिट ले लो, कैसे नहीं मिलेगी? सरकार को सपोर्ट कर दो, आपको नहीं क्लीन चिट मिलेगी? क्लीन चिट का तो ये गोरख धंधा जहाँ चल रहा है, ये गोरख धंधा है, इसको गोरख धंधा से क्लीन चिट मिलना गोरख धंधा है, बिल्कुल गोरख धंधा है। मैं कोर्ट की अवमानना करें सर? बिल्कुल कोर्ट की अवमानना हो कुछ भी हो, मैं तो खुलेआम कहा है, मैंने ये न्याय का आतंक विरोधी रैली की मैंने एक पार्लियामेंट पर 2006 में, कि मैंने और साफ ऐलान किया कि जो जज चाहे लोअर कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, मैं आपके मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि अगर हम SC ST OBC के खिलाफ देश के संविधान से अलग हटके फैसले देता है तो उस जज में इतने जूते मारो उसके घर में 7 पुश्तों तक गंजे पैदा हों, ये मेरा बयान था पार्लियामेंट के को, और करीब 5,000 CD इसकी बांटी गई थी लोगों को, करो ना मुझे जेल भेजो। नहीं मेरा पूरा देश में काम चला है, उत्तर प्रदेश में चला है, उत्तर प्रदेश मेरा गृह प्रदेश है, मैं वहाँ क्यों नहीं काम करूँगा? अच्छा, लेकिन चुनाव तो कहीं भी लड़ सकता है ना, पूरे देश में आदमी, पूरे देश में लड़ रहा है, केरल में, कर्नाटक में, सब लोग हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, जमीन तैयार कर रहे हैं, और जिस समय मौका आएगा तो हम आप देखेंगे कि हम कहाँ नहीं। सर बहुजनों की बहुत सारी पार्टियाँ वो केवल वोट काटने के काम करती हैं, बसपा को कमजोर करती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? हिंदुओं की भी कितनी पार्टियाँ हैं, सैकड़ों पार्टियाँ हैं, लेकिन वो समझदार हैं, उनकी दिशा एक है,
इसलिए वो कामयाब हैं। हमारी दिशा खराब है तो दुर्दशा है हमारे समाज की। हम लोगों की दिशा खराब है ना समझी और नालायकी की वजह से, या दूसरे लोग माइक्रो माइनॉरिटी के लोग जो हैं सत्ता में आज, जिनकी तादाद नहीं, जिनकी वोट के आधार पर मतलब गांव का प्रधान बनने की औकात नहीं है, वो प्रधानमंत्री उसको बना बना के भेज रहे हैं, तो यही तो ना समझी है। ये कब तक समझेंगे? बाबा साहब डॉक्टर सत्ता में आएंगे सर कभी फिर से? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ कहा था, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। ये हमारी सारी समस्याओं का हल पॉलिटिकल पावर है, लेकिन लोग नहीं समझते, वो तो पैसे को पावर समझते हैं। 131 सांसद तो हैं सर आपके? 131 सांसदों को बाबा साहब अंबेडकर ने किताब में साफ लिखा है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अनटचेबल्स शुड बी द वॉचडॉग ऑफ द अनटचेबल्स, बट बाय रीजन ऑफ हैविंग जॉइंड द कांग्रेस दे आर मजल डॉग। उनको जो उस समय कांग्रेस में थे, बाबा साहब के टाइम पर कांग्रेस थी और उस समय जो कांग्रेस में थे उनको बाबा साहब ने पालतू कुत्ता लिखा है किताब में है। तो ये 131 पालतू कुत्ते हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ, मेरा वैसे भी इंटरव्यू हैं, ये 131 पालतू कुत्ते बैठे हैं और उनमें से 67 पालतू कुत्ते बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। उनको लानत है, उनको तो दोबारा वोट नहीं दिया जाना चाहिए। तो ऐसे पालतू कुत्तों से, तो पालतू कुत्ते अगर ना हो तो फिर तो कुत्तों की सरकार ना बन जाए। 24 में सर चुनाव लड़ोगे आप? बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटों पर? पूरी तैयारी से। ये तो हम अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करके लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलके हम मैदान में उतरेंगे। बसपा के साथ आओगे? नहीं, बसपा के साथ नहीं होगा। बसपा तो बीजेपी से आज भी मिली हुई है। मायावती बीजेपी का ही एक कोई ABC टीम कुछ भी कह सकते हैं, वो तो बेचारी बोल नहीं पा रही। जो जितने बेईमान नेता हैं वो कैसे मिल रही हैं? लोग तो दूसरे लोग चाय पीते हैं भाजपा के ऑफिस में जाकर के। अरे कोई पीते हो, लोग पीते हो, लेकिन वो तो उसको तो बहन जी को निशाना क्यों बनाते हो सर? उस बहन जी ने उसके नाम पे, भाइयों के नाम पे उनको ठगा है, हैं? उसको इसलिए नहीं भेजा था सत्ता में, बोले कि इसने शादी नहीं की है तो ये निश्चित तौर से समाज का भला करेंगे। इन्होंने कसम खाई थी पूरा। इतना त्याग किसने किया जितना बहन जी ने किया है? कौन सा त्याग किया? मुझे किसने मारे? ये लाखों करोड़ की मालिक कैसे हो गई? ये इसलिए अगर बाबा साहब अगर पैसे के चक्कर में पड़ते तो क्या तो हमें ये साफ कपड़े पहनने को नसीब होता? वाला की भाषा बोल रहे हो सर आप? किसकी? बीजेपी वालों की भाषा नहीं बोलता मैं, वही कहते हैं ऐसी बात है। नहीं, ये बीजेपी की भाषा नहीं है। जो करोड़ों इन मूर्तियों का जो वहाँ उसने बनाई, पार्क बनाए, बाबा साहब को नहीं चाहते फिर तो आप? अरे कैसे नहीं चाहते? मूर्ति पे आवाज क्यों उठा रहे हो? अरे मूर्ति पे आवाज नहीं उठा रहा हूँ, उस पर भी 1410 अम्बेडकर के नाम पे पार्टी चला रहे हो ना, उस पर भी 1410 करोड़ का घोटाला करके गई है। क्लीन चिट मिल गई? अरे क्लीन चिट तो सारी मिल जाती है, मोदी को मिल गई, अमित शाह को मिल गई, किसको क्लीन चीट नहीं मिली है? क्लीन चीट का तो धंधा चल रहा है। ये जो जहाँ न कोई कायदा है ना कानून है, कुछ नहीं है। आर्टिकल 25 कहता है कि हमें अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। 72 साल के दौरान सर किसी बहुजन समाज पार्टी की तरह किसी सरकार क्यों नहीं आई किसी क्षेत्र राज्य में? क्यों सत्ता पे क्यों नहीं आया चार बार? पहले RPI की 1967 में सम्मिलित सरकार आई थी। RPI भी उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा थी, उसमें आई थी समाजवादी और ये RPI मिलकर सरकार बनी थी। ऐसा नहीं पहली बार आई है। मुख्यमंत्री और भी बने देश में, चाहे इसमें राजस्थान में बने हैं और उधर बिहार में भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं दलितों के, लेकिन इतना नहीं किया कि दलितों की बहन बेटियों की बलात्कार की हत्या की रिपोर्ट तक। सबसे ज़्यादा जो अपराध है ना अभी भी दलितों पे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आपने आवाज़ उठाई योगी जी के खिलाफ? मैं आवाज़ उठाई है। आज तो दुश्मन की सरकार है, उस समय तो इस बहुजन समाज की बहन की सरकार थी और बहन बेटियों के बलात्कार हुए, उस समय उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। पोटा लगता था? पोटा कोई पोटा नहीं लगा सरकार में। अरे कोई पोटा नहीं लगा, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। कोई पोटा नहीं लगा, वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी गई, लड़कियों ने आत्महत्या की उन पर, जब उनके उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आप कैसे कह रहे हैं? लखीमपुर का कांड देख लीजिए आप। अरे बाकी सरकार में, अरे लखीमपुर के सारे कांड देखे हैं, सारे कांड पे हम लोग गए। उन्नाव कांड देखा? पनवारी कांड पे काशीराम जी के साथ। उन्नाव कांड पे बोले? लखीमपुर कांड पे बोले आप? अरे कौन से कांड पे नहीं बोला? लखीमपुर उन्नाव। आप पहली बार मिल रहे हैं, आप देखिए ये गवाह बैठे हैं, कौन से कांड पे मैंने कहा नहीं बोला और कहा मैंने काम नहीं किया, कहा प्रदर्शन नहीं किया मैंने, बराबर मैंने काम किया।